तेजपुर मिशन चार निशा बास दुर्घटनग्रस्त इटाभाट कर्मरत बास 22 गी श्रमिक कढ़िया आनी दुर्घटनग्रस्त बास बालीपुरा थनामुख सिंह जनक गोपाल मालिकाधीन आर वि आई नाम इटा भाटाट कर्मरत आज श्रमिक आटाई घर बरपेटार कलगासिया थाना अंतर्गत अंचल श्रमिक लिखा अवस्था बास नियंत्रण हेरा हठाते खुंदामारे पथर डिवाइडर निशा प्राय एक बजा निजन विस्कुट उद्योग सम्मुख संघटित दुर्घटना छगी व्यक्ति सामान्य भावे आघातप्राप्त आटाईक निशा एक वनग्रता चिकित्सालय प्राथमिक चिकित्सा प्रदान पुआ आन एन बासेरे श्रमिक तेजपुर बरपेटा प्रेरण कर आरक्षे उल्लेख्य परिवहन निगम अनुमति सपेक्षे श्रमिक कढ़िया आनी एस 12BC3212 नम्बर दुर्घटनग्रस्त बासखने 22 गी श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षा कर अंत अना सूत्र प्रकाश नगर भोगेश्वरी फुकननी असामरिक चिकित्सालय उत्तप्त परिस्थिति नवजातक मृतदेह मुकलित पेलवाक राइज उत्तप्त परिस्थिति सृष्टि कर चिकित्सालय देवाल काफते पेलवा विभिन्न नवजातक मृतदेह सेनेटाइज कर अनुरोध कर राइजक दुर्व्यवहार अधीक्षक डॉक्टर जी आहमेदर सी आहमेदर विरुद्ध स्वास्थ्य मंत्री व्यवस्था लोर आहवान जानसे राइजे मैं पुनर्बार जानसो उत्तप्त परिस्थिति सृष्टि नगावर भोगेश्वरी फुकननी असामरिक चिकित्सालय नवजातक मृतदेह मुकलित पेलवाक राइज क्षुब्ध हो चिकित्सालय देवाल काफते पेलवा विभिन्न आवर्जना और विभिन्न मृतदेह नवजातक मृतदेह आवर्जना पेलवा जथेष एक दुर्गन्धमय परिस्थिति सृष्टि जाक लानी राइजे सेनिटाइज कर अनुरोध जाना अंचल स्थान टुकुरा कि आहवान जना राइजक दुर्व्यवहार कर अधीक्षक डॉक्टर जी आहमेदे सहे जी आहमेदर विरुद्ध स्वास्थ्य मंत्री व्यवस्था लोर आहवान जाना लोकसले नीलोत्पल बरार रिपोर्ट बर्तमान उपस्थित आज नगावर भोगेश्वर फुकननी असामरिक चिकित्सालय सम्मुख और इतना उत्तप्त परिस्थिति सृष्टि एकांश जी स्वास्थ्यकर्मी कांडज्ञानंदर बाबे जी देखने पा गई से किसु नवजातक मृतदेह इतना पेलवार अभियोग कर राइजे और जार परिप्रेक्षित दुर्गन्ध चाली धरी से समग्र अंचल जार परिप्रेक्षित राइज क्षुब्ध हो पड़े मैं मैं त्रिशटा मान पलिस आई तक गई पे कमप्लेन दी सूपारे अपना जेहमे मानू पठाई से तीन मान अलग चेपा माटी दी आबिली पे पुनः पेकेट पेल से ठीक है एक गोन्धत ये मानु थे मैं आम कूकुर मैं कूकुर बुझे मैं आम दाम ना मैं क्या देखा चेस्ा कर देखाई बर्तमान इतना जी सी नगाव भोगेश्वर फुकन असामरिक चिकित्सालय काकर अंचल अति लेतेरा अति अति लेतेरा जबर जोथरे भर्ती हुई है इतना क्या साफाई व्यवस्था निका अति एक दुर्गन्धमय परिवेश जी बर्तमान जी समय बर्तमान देखने पा गया सको सेनिटाइज कर देखने पा गया नगावर भोगेश्वर फुकन असामरिक चिकित्सालय सम्मुख जी जी अंचल आए ये अंचल तो इमान लेतेरा हो पड़े इमान दुर्गन्धमय हो पड़े जो इतना जिको मुहूर्ते जिकोधर रोगर प्रादुर्भव घटव पे मैं क्या कब लगे और स्थानीय लोक आए मैं जानवर चेस्ा करना का देखने पा गया मुकलि बन विस्था त्याग से लोके दुर्गन्ध ये तो महामारी इन हो चलिए कैसा माटि खानी पे इतना सीविल तो गुस गई मौकिल मेटार्निटी तो मेटार्निटी आम इतना कम ना मेटार्निटी बेहद बस्तु जी दुर्गन्ध आए आनी इतना पेल से इतना पेल की जुक्ति आसो कैसा माटी कर पे इतना पेल पे जुक्ति नहीं इतना मानु आए ला छी जे आहमेद कल गई पे कल गई कौते कम भर समस्या आम ये सेटलमेंट करम तुम लोग ऊल् जा गुस अहार पद अलमान ब्लिचिंग पाउडर छटिया अलग माटि दी पे ढाक गोन्धत आम रोजा रमजान माह गई पे कौते यू कर आज धमकी दिल मान माइकी मानुजी पठाई दी क्या एन जी ओ एन जी ओर निकी एने बेहद गाली पारि बोले आम सीविल मेटार आम सीविल बुझी पा तुम लोग माथा नमार क्यों माथा नमार आम ला छी ना इतना ला छी आज दुर्गन्धत के तीन मानु आता हल जेहमत एट हल मून और ये माइकी तो उल्टा पुल्टा कथा कह गई मूक बोले जेहमत हाथ प्रथम जी समस्या तो इतिम्य सृष्टि गई है गति के चेनेलर जुगे अनुरोध
যাতে আমার ইয়াত যেহেতু রমজান মাস চলি আছে, আমি ইয়াত হিন্দু মুসলিম সকলো মিলে একলগে আছো, গতিকে আমার পরিবেশ এই এই বস্তুটোর কারণে আমার এই পরিবেশটা যথেষ্ট মানে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। আর বর্তমান যদি একটা কোভিড-19 সমস্যা আমার আছে, তথাপিও আমি মানে এই সমস্যাটো মানে যিমান সোনকালে পারে তেওঁলোকে মানে নিজস্বভাবে হোক বা যেনে ধরনের হোক তাতে সমাধানটো করে দিয়ে। স্যানিটাইজ করা নাই, হেমন্ত দেখাবলৈ অনুরোধ করি। বর্তমান যি কাষৰ অঞ্চলটো অতি লেতেরা, অতি দুর্গন্ধময়, অতি লেতেরা, আর ইয়াত মুকলিত মল যি বিস্তার ত্যাগ করেছে, আর কোনো ধরনের ব্যবস্থা নাই, কোনো স্যানিটাইজার ব্যবস্থা নাই। আর যি দেখলে পাওয়া গেছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগিয়ে সমগ্র রাজ্যের ইপুরের পর সিমূরলে সমগ্র রাজ্যত বর্তমান যি স্বাস্থ্য খণ্ড উন্নয়নের দিনে নিশায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, কোভিড-19 বিরুদ্ধে যুঁজ দিয়াত সকল স্বাস্থ্যকর্মী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু এনে একাংশ স্বাস্থ্যকর্মী যিসকলে কোনো ধরনের ব্যবস্থা লওয়া নাই, যার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে দেখলে পাওয়া গেছে সম্পূর্ণ অঞ্চলটি দুর্গন্ধময় দুর্গন্ধ চালি ধরেছে, কোনো ধরনের স্যানিটাইজার ব্যবস্থা নাই, রাইজর স্বাস্থ্যের প্রতি কোনো ধরনের গুরুত্ব নাইকিয়া। আর নগাঁর ভোগেশ্বর ফুকনি অসমীয়া চিকিৎসালয় চিকিৎসকয় অনিল পালে ধন্যবাদ জানাইছো। আর চিকিৎসক সকলের যে ধরনের দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাণ্ড তাক লো এটা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে নগাঁও শিবিরের পর। এয়া দেখালে অনিল পালে যে কেনে ধরনের এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বর্তমান সেই সকলকে জীবন নির্বাহ করবলগীয়া হয়েছে, স্যানিটাইজ করা হওয়া নাই এই অঞ্চল সমূহ, যার ফলত যথেষ্ট আবর্জনায় ভরি পড়েছে, লগতে নবজাতকর মৃতদেহ পেলাক লো এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে নগাঁওতে। সময় আছে মাত্র পাই এটা বিদায় লওয়ার, নমস্কার।